उत्तराखंड राज्य महिला बाल संरक्षण आयोग के सामने आम आदमी पार्टी ने किया विरोध प्रदर्शन। गंगा स्कैप चैनल शासन आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया, वहीं वर्तमान में भाजपा सरकार गंगा को सम्मान देने से पीछे हट रही है। साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने कहा, जब तक माँ गंगा का नाम स्केप नहर से देवधारा की जगह गंगा नहीं किया जाता, तब तक आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। बीजेपी सरकार ने झूठे नोटिस भेजकर ये साबित कर दिया है, इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आम आदमी पार्टी गंगा के सम्मान में आखिरी सांस तक लड़ती रहेगी। विकास नगर देहरादून से रिपोर्टर इंद्रपाल सिंह की ये रिपोर्ट। सब किया गया था कि जो हमने गंगा का मुद्दा उठाया था, जिसमें त्रिवेंद्र सरकार ने कहा था कि वो गंगा का नाम दोबारे से गंगा करेंगे, लेकिन पिछले 4 सालों में उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया। उसको लेके हमने लोगों के बीच में कुछ जन जागरण का प्रोग्राम किया था। उनको लगता है कि वो केवल एक नोटिस दे के हमारी आवाज़ को दबा सकते हैं, जबकि आज हमने देखा कि जिस आयोग से हमें नोटिस आया है वो बाल आयोग है, जिसका जुडिक्शन ही नहीं बनता कि वो हमको नोटिस कर सके, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल राइवलरी को देखते हुए उन्होंने एक नोटिस सर्व कर दिया। आज आयोग की नोटिस का जवाब देने के लिए हम बाल आयोग के ऑफिस में हैं, लेकिन आज देखने में आया है कि उनकी जो अध्यक्षा हैं वो यहाँ पर नहीं है। हमें नोटिस सर्व किया गया लेकिन वो खुद गायब हैं। फिर भी हम यहाँ आए हुए हैं, अपने अटेंडेंस लगा रहे हैं। हम कानून का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि गंगा के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम अंत तक गंगा के सम्मान की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे हमें 1 नोटिस दें, 2 नोटिस दें, 100 नोटिस दें या हमें जेल भेजें। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी अंतिम सांस तक गंगा के सम्मान के लिए लड़ता रहेगा।